लू बेटा, जरा हमारा रिचार्ज तो कर दो। चलो देखो बेटा कितने का रिचार्ज करना है। अच्छा कितने कराना रिचार्ज? 50,000। अच्छा ये बतावा कि तुम शादी कर रहे हो, सुने के कहा हल्दी और मेहंदी हो। बकवास बंद करो, कितने का रिचार्ज करना है बताओ बस। 50,000 का कराना तो करा लो, इसके बाद अगला स्टॉक कब तक आएगा भरोसा नहीं हमको। अरे जब तुम्हारे कोनो भरोसा नहीं तो स्टॉक पे कौन सा भरोसा? रुंझुन का छोड़ के नाचे वाली का घर में बैठा है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि रुंझुन घर छोड़कर चली गई, वरना तुम्हारे ऐसे कर्म देखे वो तो जीते जी मर जाती थी। औरत कुंवारी भली, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी के पल लेना पड़े। हम तो कहते हैं काहे इतना पाप करत हो। अरे रुंझुन अभी तो छोड़ के गई है तुमका, लेकिन अब जोन करत हो ना ये देख के रुंझुन कबो ना लौट के आई है। बकवास बंद करो, हम अच्छे से जानते रुंझुन को, जानते कि हम गलत नहीं है। जिसको जो बोलना बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रुंझुन हमारे साथ हमारे साथ ही रहेगी। भैया पकड़ो मोबाइल। अरे गुड्डू भैया, अरे भैया, अरे भैया देना ना देना, चलिए मुंह उठा गए घूमन आयो का, जवान की वर्जिश दिखाना ना कहीं और जाके दिखाओ जाके, चलो निकलो। अरे भगावत का हो खुदे चाहिए, अब तो रिचार्ज खाते हम कानपुर तक जाइयो, लेकिन तोरे दुकान में कबो नहीं हो। चलो जहाँ औरत की इज्जत ना वो आदमी नहीं शैतान बनते। और क्या है, चलो वो काहे मुंह लगने का। मैं कहता हूँ क्या यही करने के लिए था मैं है? अरे मैं रज्जू पांडे जो पूरी जिंदगी इत्र की खुशबू में नहाया, आज वो ये बिजली के तार और बिजली के बल्ब जलाने में लगा हुआ है। सही कह रहे रज्जू भैया, अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सबके सम्मान का चीर हरण हो गया हो। मैं कहता हूँ बंटू मामला हाथ से निकल गया है, अब खड़े खड़े मुंह ताकने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अरे रज्जू भैया अगर एक गवाह मुकर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए। अरे मैं कहता हूँ विष्णु साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो तुम? अरे रज्जू भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात को नहीं बात के मर्म को समझिए। देखिए जब तक सांस है ना तब तक आस रखिए, फैसला नहीं हुआ है, दोनों के फेरे अभी नहीं हुए हैं। वो वहाँ फेरे के रूप में चक्कर लेंगे और यहाँ हम चक्कर खा के गिरेंगे। अरे बंटू भाई साहब जो शादी है ना, नीलू और गुड्डू की शादी, ये शादी कानूनी रूप से गलत है। जब एक बीवी है उसके रहते दूसरी शादी ना इलीगल। गुड्डू और नीलू दोनों को जेल होगी और ये घर होगा हमारे कब्जे में। मैं कहता हूँ विष्णु तुम एक बात भूल रहे हो। कौन सी बात? ये मत भूलो कि नीलू के पास वो जहर वाली बोतल है जिस पर हम सबकी उंगलियों के निशान, अगर उसने वो पुलिस को दे दी ना तो हम सब लोग जेल के अंदर बंद निश्चित। जेल? अरे बाप रे भैया अब हमें समझ में आया। अरे वहाँ मुफ्त की रोटी मिलती है ना इसलिए जेल जाने की बात कर रहा है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अरे बंटू भाई साहब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अरे हम ऐसी चाल चलेंगे क्या बे सब है, क्या तमाशा लगा रखा है? अरे मैं कहता हूँ ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने और इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से सजावट की है। अबे चुप बंद करो साले अपनी बकवास। सजाया तुमने, सबके सब सारे बेवकूफ है यहाँ पर। कर रहे हैं। अगर ये तस्वीर यहां रहेगी तो क्या आप हमें प्यार कर पाएंगे? बताओ ना, नजरे से नजरे मिला पाओगे? हमें बाहर में भर पाएंगे? नहीं ना, बाहर में जाओ तुम। नहीं हमें बाहर में नहीं जाना, हमें तो आपके प्यार में चलना है।
और वैसे भी ये तो हमारा कमरा है और इस घर की नई नवेली दुल्हन हम हैं, तो इस नाते इस कमरे में सिर्फ हमारी तस्वीर होनी चाहिए, इसी और की नहीं। सोच अंजुन से प्यार करते हो या उसकी तस्वीर से, रोकना चाहती हूँ ना, हमें दम है ना तो रोक लो। अरे कहाँ चल दिए, ये देखिए ना, ये इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी है। और हमें ना इस जोड़े के साथ तुम्हारी एक तस्वीर लेनी है। मरो बैठ के अकेले इसके साथ। इतनी बेरुखी नहीं, रंजन की कसम। और वैसे भी तुम्हारे ऐसे उखड़े उखड़े मुखड़े के साथ हम तस्वीर कैसे खिंचाएंगे? जरा सा मुस्कुराइए, जरा सा। समझते नहीं हो ना गुड्डू? सोचो, हो सकता है शादी के बाद हमें तुम्हारी इसी तस्वीर के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े, हो सकता है ना, इसीलिए तस्वीर खिंचवानी है। शुक्ला जी कहाँ जा रहे? वैसे भी आप जहां जा रहे हैं ना, आज जरा जल्दी आइए, आज हमारी मेहंदी, आपके नाम की मेहंदी। गुड्डू जी, आप हमारे प्यार को कितना भी बेरंग कीजिए, लेकिन मेहंदी तो मेहंदी है, वो तो रचेगी। दूल्हे ने दुल्हन का लहंगा अपने हाथ से सिल के दुल्हन को भेंट किया। लहंगा सिलने वाले दुल्हे का नाम है गुड्डू शुक्ला। तुझे गुड्डू को लाने भेजा था ना, अभी तुझे भी लाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है। सखी मेहंदी के हरे हरे पात, मेहंदी रंग भरी, सखी मेहंदी के हरे हरे पात, मेहंदी रंग भरी, ये मेहंदी सखी किसने मंगा दी, ये जी। घर में मेहंदी और आपने ऐसे मुंह लटका के रखा है, आप नाराज मत होइए, मेहंदी तो आपसे ही लगवाएंगे, बस लगवा गई होगा, सिर्फ आपके प्यार में पागल होंगे। है किसी भी इतनी मजाल की कोई हमारा हाथ थाम ले? चलिए ना, ए चलो हटो, शुक्ला जी बैठिए।
ये नीचे मेहंदी और ये हमारा हाथ थाम ना, बहुत खूबसूरत हाथ है, इसे कभी छोड़िएगा मत। ये लीजिए लगाइए। शकुन का समय निकल गया ना, तो अब शकुन हो जाएगा। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? चलो बजाओ नाचो, ऐसा मौका रोज नहीं आएगा। चलो चलो। देखो बहन, यहाँ तो दुनिया के सब चाल चलन ही पलट गए। अरे ये तो गुड्डू से मेहंदी लगवा रही है, अब इस पे क्या पाबंदी। आगे आगे देखो, गुड्डू को नौकर बनाएगी, अपना झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाएगी, और करना पड़ेगा। हाँ सही कहती है तू। सब सुनने से पहले हम तुम ना मां विलीन हो जाए। धड़क होके लगाइए। अगर मेहंदी फैलती है ना, तो फैलने दीजिए, क्योंकि ये आपका प्यार है जो हमारे तन मन में फैल रहा है। रोकिए मत इसे, फैलने दीजिए। हम तो अपने गुड्डू जी के साथ नाचेंगे। ए तुम तीनों खड़े हो जाओ अपने अपने जोड़ों के साथ, चलो उठो। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, चलो आओ बजाओ नाचो। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। हमने आपको छूट दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा नाम भूल जाए। हमारा नाम आर से नहीं, एन से शुरू होता है, समझे? और वैसे भी हमें अपना नाम नहीं लिखवाना है, हमें तो अपने गुड्डू जी का जी लिखवाना है। तो गुड्डू जी जल्दी से इसे मिटा दीजिए और जी लिख दीजिए। जी लिख दीजिए ना जी।
खत्म। अब चलो चलो हम लोग नाश्ते। अरे चलिए ना गुड्डू जी। गुड्डू जी के साथ नाचेंगे। ए तुम तीनों खड़े हो जाओ अपने अपने जोड़ों के साथ। चलो उठो। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? चलो आओ बजाओ नाचो। अरे अम्मा जी आप भी नाचिए ना। अच्छा हाँ आप नाचिए मत, कम से कम ताली बजाइए। बजाइए ना। देखिए मेरे हाथ में मेहंदी है तो हम आपको दिखाते कि जब लोग खुश होते हैं ना तो कैसे ताली बजाते हैं। बजाइए ना अम्मा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बजाते रहिए बिल्कुल ठीक है। अरे ना 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 आप कष्ट न करें, हम ही नीचे बैठ जाते। ये सम्मान जो है उस शादी के बाद अच्छा लगता है, पत्नी का उठना पति के आने के बाद। देखिए मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आपके हाथ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन काहे शादी ब्याह है ना, मेहंदी लगाना पड़ता है। एक मिनट देखिए। हाँ देखिए गुड्डू शुक्ला कैसे नीलू को अपने हाथ से मेहंदी लगा रहे एकदम एग्जाइल। अरे पकड़िए हाथ पकड़िए, ये लीजिए देखिए एकदम ध्यान से दीदा खोल के देखिए। कर दिया है शादी के बाद गुड्डू पे नीलू का हक होगा। बाप भी हमको हक दे ही दीजिए। काहे तड़पा रही है दुई बूंद के लिए इस प्यासे को? पप्पू यादव ऐसा कभी नहीं होगा। बे काहे एक के बाद पे अटक गई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे दिल को थोड़ा ढीला छोड़िए नहीं तो टूट जाएगा। ये तो इसको हमारी खातिर धड़कना है, हैं? धक, धक। देखिए हम नहीं चाहते कि आपके दिल में कोई मलाल रह जाए कि आपने शादी रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। देखो हमको गुड्डू जी के पास जाने दो, ये नाटकने से रोक लो, हमको जाने दो। वचन देते हैं, वचन देते हैं, वचन पूरा करेंगे बस। गुड्डू शादी हो जाने दीजिए, इस शादी के बाद आपको एक मौका जरूर देंगे।
गुड्डू से भीख मांगने का। पति बनने के लिए सात फेरों का वास्ता देके सुहाग सिंदूर चूड़ी कंगन मंगलसूत्र सब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जितनी बात है सबका। थक जाइएगा तो हमारा दरवाजा खुला है, हमेशा खुला रहेगा आपके लिए। हमने